हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंदाराना। दोस्तों, आज के मजेदार वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बारिश का जो सीजन है उसमें टायर क्यों चेंज करने चाहिए। और काफी लोगों को डाउट्स है कि बारिश में चेंज करने चाहिए, उससे बाद चेंज करने चाहिए। तो हम लोग दोस्तों डिटेल बात करेंगे इस चीजों में। आज के वीडियो में काफी मजेदार एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं जो आपको शायद पता ना हो, तो ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया, जहां पे हम लोग कार रिलेटेड, बाइक्स रिलेटेड काफी स्टोरीज और पोस्ट शेयर करते रहते हैं। जैसे हर वीडियो में मैं बताता हूँ, टायर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके गाड़ी का। स्टेयरिंग, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, कॉर्नरिंग, ये सब कुछ टायर के थ्रू होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बारिश ये है क्या इम्पैक्ट करता है आपके टायर पे, क्योंकि टायर ही ये जो चीज़ है जो रोड से कनेक्ट करता है आपको। तो देखेंगे टायर कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बारिश में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोप्लानिंग, एक्वाप्लानिंग। एक्वाप्लानिंग काफ़ी लोगों को पता नहीं है क्या ये होता है। बेसिकली दोस्तों, आप जब भी बारिश में गाड़ी चलाते हो और बारिश में जब गाड़ी चलाती हो, आपकी गाड़ी जो होती है वो रोड को टच होकर नहीं चलती, वो पानी के ऊपर चलती है, उसे हम लोग हाइड्रोप्लानिंग कहते हैं। तो जब भी आपका दोस्तों अगर पानी के ऊपर गाड़ी है, आपको जब ब्रेक मारना है तो ब्रेक लगेंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी तो पानी के ऊपर है। तो रोड पे टच होके गाड़ी चलनी चाहिए आपकी। अगर आपके टायर वर्न आउट है तो ये रोड को पकड़ के नहीं चलेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं हाइड्रोप्लानिंग क्रिएट होगा। और जब स्पीड में आपका ब्रेकिंग का जब टाइम आएगा या कंट्रोल करने का ज़रूरत रहेगा, तो उस टाइम पे गाड़ी अच्छे से कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि वाटर इवैक्यूएशन जो है वो टायर से नहीं होगा प्रॉपरली। उसके लिए दोस्तों आप मिनिमम 2.5 mm के आपके ट्रेड होने चाहिए आपके टायर में। और जो हाई एंड गाड़ी है, जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडीज है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड व्हीकल है जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 50% टायर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो जो टायर है वो स्पीड्स में चलती है गाड़ियाँ, तो वहाँ पर वाटर इवैक्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकदम कम बारिश गिरी है या फिर मॉडरेट बारिश गिरी है तो भी हाइड्रोप्लानिंग क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर आपके टायर वर्न आउट है और उसमें से वाटर इवैक्यूएशन नहीं होगा, टायर जो है आपका ये पानी के ऊपर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो गाड़ी पे कंट्रोल है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रेड्स है, ये ट्रेड्स वाटर इवैक्यूएशन का काम करते हैं। तो जितना ज्यादा ट्रेड रहेंगे, जितने ब्रॉड ट्रेड रहेंगे, उतना अच्छा वाटर इवैक्यूएशन होगा। ये ग्रिप होना जरूरी होता है, अगर वर्न आउट टायर रहेगा तो आपको ग्रिप नहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं हाइड्रोप्लानिंग क्रिएट ज़्यादा होगी, एक्वाप्लानिंग ज़्यादा होगा। तो जब भी आपका गाड़ी है ये रोड को टच होकर नहीं चलेगा, हवा में चलता रहेगा, क्योंकि बीच में पानी का एक लेयर रहेगा। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, रोड मिनिस्ट्री जो है अपना, उन्होंने रिसेंटली सर्वे किया था और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वो बारिश के टाइम पे होते हैं, क्योंकि उनके ब्रेक्स है या उनका गाड़ी का कंट्रोल है ये पूरा नहीं होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आगे के टायर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आगे के टायर गाड़ी को रोकते हैं, पीछे के टायर ओके रहेंगे तो भी चलता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, चारों टायर जो है गाड़ी के ये अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बारिश के सीज़न में अगर आप घाट में गाड़ी चला रहे हो या कभी टर्न कर रहे हो, तो पीछे के टायर अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो भी आपकी गाड़ी जो पीछे से है वो स्लिप हो सकती है। तो मैं हमेशा बताना चाहूँगा, हाइड्रोप्लानिंग क्रिएट ये नए टायर में भी हो सकता है अगर ज़्यादा बारिश हो तो, ज़्यादा पानी जमा हुआ तो। लेकिन जो नॉर्मल बारिश में अगर टायर वर्न आउट रहेंगे तो आपका जो वाटर इवैक्यूएशन बराबर से नहीं होगा, तो टायर स्लिप होंगे, कहीं ना कहीं ब्रेक्स नहीं लगेंगे आपके, और गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो दोस्तों, नए टायर डाल के आप एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हो रेनी सीजन में। दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब बारिश गिरती है तो मट्टी है वो पूरी बह जाती है। सो पत्थर होते हैं, पत्थर के ऊपर मट्टी लगी होती है, पत्थर के ऊपर की जो दोस्तों मट्टी निकल जाती है तो पत्थर नोकीले हो जाते हैं। और जब बारिश में आपके टायर्स वर्न आउट अगर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं जब पानी के साथ में वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो नोकीले पत्थर ईजीली टायर के अंदर घुस सकते हैं और वो टायर बर्स्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप नए टायर डालोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे इजीली बारिश के साथ में, क्योंकि उनके ऊपर प्रॉपर ट्रेड रहता है, और पत्थर नोकीले भी रहेंगे तो भी वो मैक्सिमम क्या करेंगे, आपका जो ट्रेड है उसको डैमेज कर सकते हैं, बाकी टायर नहीं फटेगा उसमें। ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नोकीला पत्थर रहेगा और क्या इम्पैक्ट लगता है तो नया टायर भी फट सकता है। लेकिन आज मैं बोलना चाहूँगा आपको कि जो टायर से इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ है, तो बारिश में ही आप टायर को चेंज कीजिए, क्योंकि जब ये नोकीले पत्थर वगैरह इजीली शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह घुस सकते हैं, क्योंकि टायर है पूरा फ्लैट हुआ रहता है, उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर जो रबर का होता है वो वर्न आउट हुआ रहता है, तो इजीली कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट टायर में घुस सकता है। तीसरी चीज़ दोस्तों बात करेंगे, बारिश के टाइम पर जब भी आपके पहले पुराने पंचर बने हुए होते हैं, तो वो जो पंचर होता है उसके अंदर फिलर यूज़ करते हैं, प्लग्स डालते हैं अंदर में।
सो बारिश में पानी की वजह से वो जो प्लग्स के अंदर जो चिकनाहट होती है, जो सॉल्यूशन होता है, वो बारिश की वजह से निकल जाता है. सो वो लीकेज हो जाते हैं पंचर. सो मोस्टली आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया भी होगा इस चीज़ को, नहीं किया है तो ये आ सकता है. अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा पंचर है तो बारिश में वो पंचर लीकेज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं. दोस्तों जब भी गाड़ी पंचर होती है तो स्टील कॉर्ड्स अंदर होते हैं टायर के, वो ब्रेक हो जाते हैं. जब भी हम लोग फिलर डालते हैं या पंचर रिपेयर करने को ट्राई करते हैं बारिश में, तो हम लोग जब फिलर डालते हैं तो वो स्टील कॉर्ड्स टूटे हुए होते हैं वहाँ पे. बारिश में दोस्तों यूजुअली स्टील कॉर्ड्स को पानी लगता है, वो रस्टेड हो जाते हैं. रस्टेड होने के बाद में वो उनका शेप चेंज होना चालू होता है. टायर को देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये ऊपर हो गया है, ये टायर है जो नीचे हो गया है. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो स्टील कॉर्ड्स है यहाँ पे देखो, ये एक्सपोज हो चुके हैं, तो यहाँ से बेंड हो गया टायर. तो ये जो टायर है ये कभी भी फट सकता है. सो इट्स बेटर टू चेंज. देखो यहाँ पे पंचर की वजह से ये फूल गया ऊपर. तो कहीं ना कहीं आप जब स्टेयरिंग में गाड़ी चलाएंगे तो वॉबलिंग्स आएंगे. अगर वॉबलिंग्स आ रहे हैं तो आप नियरेस्ट टायर शॉप में जाके इसको चेक करवा सकते हो और देख सकते हो कि कहीं ना कहीं टायर बेंड रहेगा, तो प्लीज़ चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये रोड के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है. तो शेप चेंज होने की वजह से आपका टायर का शेप भी चेंज होता है. तो टायर बहुत से टाइम एक जगह से फूल जाता है. अगर टायर फूल जाता है तो वो बहुत रिस्की है गाड़ी चलाना उस टायर में, क्योंकि वो टायर जो है जो साइड फूली होती है वो टायर पहले टच होता है रोड के ऊपर, आपको स्टेयरिंग पे वॉबलिंग जाना चालू होंगी. आपके गाड़ी के टायर अगर ज़्यादा पंचर है तो भी आप उसे रिप्लेस कर दीजिए बारिश में, क्योंकि सेफ्टी है दोस्तों ये नंबर वन प्रायोरिटी रहनी चाहिए. क्योंकि हम जब भी गाड़ी चलाते हैं एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमको सेफ, हमारे फैमिली को सेफ रखना है और प्लस हमारे एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना है. क्योंकि जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आपके गाड़ी का टायर फटता है तो किसी और के ऊपर भी जा सकता है, तो किसी की भी जान जा सकती है, किसी की जान माल का नुकसान हो सकता है. चौथी चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों. चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है जो टायर मेंटेनेंस होता है, क्योंकि टायर के अंदर जो बैलेंसिंग है, अलाइनमेंट है, ये रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए. सो अगर रेगुलर इंटरवल पे आपका टायर बैलेंसिंग अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं बारिश में आपकी गाड़ी स्कीड हो सकती है. सो अगर आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग ये टायर केयर प्रॉपरली करते हो रेगुलर इंटरवल, मतलब 5000 आपने टायर रोटेशन अलाइनमेंट बैलेंसिंग करना चाहिए. ये मैनुअल में भी लिखा होता है. काफ़ी गाड़ियाँ जो है जैसी वोल्सवैगन है या ऑडी है या मर्सिडीज़ है या BMW है, ये 15,000 पे आपको खाली सर्विसिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये कभी आपको इन्फॉर्म नहीं करते कि टायर रोटेशन एवरी 5,000 होने चाहिए या अलाइनमेंट होना चाहिए. तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, कम से कम आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग ये रेगुलर इंटरवल पे करिए, तो आपका टायर का केयर अच्छे से करोगे तो टायर का लाइफ भी अच्छा मिलेगा. पांचवी चीज़ जो दोस्तों होती है, जब भी आप बारिश में खड्डे जो है वो ज़्यादा होते हैं या आजू बाजू में जैसे कोई ड्रेनेज लाइन के झक्कन है उसके आजू बाजू में जो मिट्टी जमा होती है या सीमेंट डालते हैं टेम्प्ररी, ये बारिश में बह जाता है, तो वहाँ पे जो खड्डे हैं वो बड़े हो जाते हैं. तो उसमें अगर आपके टायर वॉर्न आउट रहेंगे तो कहीं ना कहीं जब जाएगा तो वहाँ पे बल जाने के चांसेस है. तो यहाँ पे अगर बल जाता है तो टायर फट भी सकता है, बेंड भी हो सकता है. तो काफ़ी लोगों के गाड़ियों में एजिंग क्रैक्स होते हैं, आपने देखे होंगे ये क्रैक्स होते हैं टायर पे. तो बारिश के सीज़न में क्या होता है, ये क्रैक्स में पानी जाता है. जब क्रैक्स में पानी जाता है तो आपके जो अंदर के स्टील कॉर्ड्स है ये रस्टेड होना चालू होते हैं. अगर आपके टायर में दोस्तों एजिंग क्रैक्स है, दैट मीन्स आपका जो टायर का लुब्रिकेशन है वो खत्म हो गया, सूख गए टायर, तो आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसमें बढ़ जाता है. तो बारिश में ब्रेक लगते नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आपके टायर में अगर एजिंग क्रैक्स है तो प्लीज़ आप टायर को चेंज कर दीजिए. सो एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हो अगर आप नए टायर डाल के. अंदर साइड में बल जाता है, बबल जाना है बोलते हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, वो एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है उसके बारे में भी. लेकिन अगर ऐसे बल्ज वगैरह दिखते हैं आपको, साइड में बबल वगैरह दिखते हैं, तो प्लीज़ उस सिचुएशन में भी टायर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि अंदर के जो प्लाईकॉर्ड्स है वो टूट चुके हैं, इसकी वजह से वहाँ पर बल जाता है. सो वो टायर सेफ नहीं है रोड में चलाने के लिए. दोस्तों अगर आप टायर चेंज करने का प्लान कर रहे हो और आपको आपके सिटी में अच्छे रेट्स में टायर चाहिए और आपका पसंदीदा ब्रांड आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ tyremarket.com पे जाके विजिट कर सकते हो. tyremarket.com पे सभी ब्रांड के टायर्स मिलते हैं और वो एक ऑथोराइज डीलर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं और काफ़ी कंपिटिटिव रेट्स में काम करते हैं. आपको अगर EMI फैसिलिटी चाहिए तो उनके पास में EMI फैसिलिटी भी है.
आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक मैंने टायर मार्केट का नंबर दिया है, उसे डायरेक्टली फोन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में दोस्तों एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सब कुछ फ्री में है, कोई भी चार्ज नहीं है उसका। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।